दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथी की है, हरीश राम जी ने, जो कि छतरा झारखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हरीश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। हरीश जी बताते हैं कि घर में रोज रोज की तनातनी से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किसी भी तरह का काम नहीं मिल रहा था। घर की आर्थिक हालत को देखकर मैंने अपने दोस्त से बोलकर नदी के किनारे से रेत उठाने का काम पकड़ लिया। हालांकि यह काम गैर कानूनी है, पर पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। खैर यह काम कुछ ऐसा है कि हर रात मुझे ट्रक लेकर नदी के किनारे पहुंचना था, जहां मजदूर मेरे ट्रक में रेत लोड करेंगे, जिसके बाद मुझे उस रेत को दूसरी जगह पहुंचाना था। बकायदा रात के तकरीबन 1:30-2 बजे तक मैं नदी के किनारे पहुंच गया। वो क्या है कि मुझे टाइमिंग का ठीक से पता नहीं था, जिस वजह से मैं जल्दी ही काम पर आ गया। और तो और उन दिनों फ़ोन भी इक्का दुक्का लोगों के पास ही हुआ करता था। ड्यूटी पर आज मेरा पहला दिन था, जिस कारण भीतर ही भीतर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। खैर मैं नदी के किनारे पहुंच तो चुका था, पर आसपास मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े बीड़ी पी ही रहा था कि तभी मुझे सामने से 4-5 लोग आते दिखे, जिन्होंने आते ही ट्रक में रेत भरना चालू कर दिया। मैं अभी बीड़ी पीते पीते इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी एक बार मैंने अपनी नज़र उन मजदूरों की तरफ घुमाई, जहाँ वो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, पर मेरे ट्रक में रेत लोड हो चुकी थी, जिसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि कोई आदमी इतने कम वक्त में इतने बड़े ट्रक में रेत कैसे भर सकता है। खैर मैं चुपचाप ट्रक लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहां से कुछ दूर ही गया था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। मैंने केबिन से पीछे झाँक कर देखा तो वहाँ वही मजदूर बैठे थे जिन्होंने ट्रक में रेत भरा था। उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद यह लोग चाय दुकान तक जाने के लिए मेरे ट्रक में सवार हुए हैं। अमूमन मजदूर चाय दुकान तक जाने के लिए ऐसा ही करते हैं। थोड़ी ही देर में मैंने चाय दुकान पर पहुंचकर अपनी ट्रक रोक दी। ट्रक से उतरकर मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ किसी को ना पाकर मुझे लगा कि शायद वह लोग ट्रक से उतर गए हैं, लिहाजन मैं अपनी ट्रक लेकर वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर आगे आते ही मुझे फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। इस बार मैं ट्रक से उतरकर देखने गया कि आखिर यह आवाज़ है किसकी। ट्रक के पीछे जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल वही मजदूर ट्रक के पीछे बैठे थे और उनका पूरा शरीर जला हुआ था, और तो और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। किसी तरह से मैं वहां से भागकर एक चाय की दुकान में गया, जहां जाकर मैंने दुकानदार को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर उस चाय वाले ने जो बताया उसे सुनकर मैं और भी डर गया। उसने बताया कि जहां से आप लोग रेत उठाते हैं उसके बगल में ही एक शमशान घाट है। तो दोस्तों ये थी हरीश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और देखते रहें डार्क फाइल्स।